हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज हम कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 16, कौन करेगा यह काम। बच्चों, इस पाठ में हमारे सहायक जो कि अलग अलग कार्य करते हैं उनके बारे में बताया गया है। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ विकल्प दिए गए हैं, हमें प्रश्न पढ़ के सही विकल्प को चुनना है। क, आपके कक्षा कक्ष व विद्यालय की सफाई कौन करता है? तो यहाँ सही विकल्प है सफाई कर्मचारी। ख, विभिन्न कार्यों में हमारी सहायता कौन करते हैं? तो यहाँ पर सही विकल्प है पहला, हमारे सहायक। ग, साबरमती आश्रम किस राज्य में है? यहाँ सही विकल्प है गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं। घ, भारत के संविधान निर्माण हेतु प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर सही विकल्प है पहला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न 2, निम्नलिखित कथनों में से सही पर सही, गलत पर गलत का निशान लगाइए। क, कोई भी काम छोटा नहीं होता है। सही। ख, स्कूल को साफ रखना केवल सफाई कर्मचारी की जिम्मेदारी है। गलत, ये हम सभी की जिम्मेदारी है। ग, हमें दूसरों के कामों में मदद नहीं करनी चाहिए। गलत, हमें मदद करनी चाहिए। घ, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। सही। च, साबरमती आश्रम में प्रत्येक व्यक्ति को साफ सफाई संबंधी गतिविधियों में शामिल होना अनिवार्य था। सही। छ, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोनों ने भारत में अस्पृश्यता छुआछूत का विरोध किया। सही। ज, हमारे देश में कचरा प्रबंधन एक बड़ी समस्या है। सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, निम्न चित्र में लोग विभिन्न प्रकार के कार्य कर रहे हैं, इन कार्यों को पहचानिए और लोगों द्वारा किए जा रहे 6 प्रकार के कार्यों की सूची बनाइए। बच्चों, आपकी वर्कशीट में एक चित्र दिया गया है, आप इस चित्र को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें बहुत तरह के कार्य किए जा रहे हैं। आपको कोई भी 6 कार्य लिखकर एक सूची बनानी है। आपकी सुविधा के लिए मैं निम्नलिखित 6 कार्य लिख रहा हूँ। पहला, दूध निकालने का काम। दूसरा, डॉक्टर द्वारा इलाज। तीसरा, सफाई का काम। चौथा, सीवर की सफाई। पांचवा, अध्यापिका द्वारा बच्चों को पढ़ाना। छठा, सब्जी बेचना। तो बच्चों, इसके अलावा भी इसमें अन्य काम किए जा रहे हैं, आप उन कार्यों के नाम लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। हमारे शहर दिल्ली को साफ रखने में सफाई कर्मचारियों की मुख्य भूमिका है। आप इनके सम्मान में कोई छोटी सी कविता, नारा या अनुच्छेद लिखिए। तो बच्चों, आप इस चित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार हमारे ये सहायक सफाई कर्मचारी सीवर के अंदर जाकर उसकी सफाई करते हैं। ये हमारी बहुत सहायता करते हैं हमारे घर को, हमारे देश को स्वच्छ रखने में। तो यहाँ पर आपको इनके बारे में कोई भी छोटी सी कविता, नारा या अनुच्छेद अपने शब्दों में लिखना है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कूड़ा वाला हम उन्हें कहते हैं पर कूड़ा तो हम ही करते हैं। वे गंदगी को दूर कर जाते हैं, जीवन को हमारे स्वच्छ बनाते हैं। ऐसे सहायक को हमारा साक्षात नमन। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 5, आप बड़े होकर किस तरह का कार्य या नौकरी करना चाहते हैं और क्यों? तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप अपने शब्दों में स्वयं लिखेंगे कि आप बड़े होकर किस तरह का कार्य या नौकरी करना चाहते हैं और क्यों। क्योंकि हर बच्चा कुछ ना कुछ बनना चाहता है, तो उसे यह लिखना है कि मैं यह बनना चाहता हूँ और क्यों बनना चाहता हूँ, ये भी लिखना है। आपकी सुविधा के लिए मैं लिख रहा हूँ,
मैं बड़ा होकर एक टीचर बनूंगा, क्योंकि टीचर के कंधों पर देश निर्माण के लिए लोगों को तैयार करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैं सभी को अच्छी शिक्षा देकर उन्हें अच्छा नागरिक बनने में मदद करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल, स्मार्ट ग्रीन सिटी, परिवहन के साधनों में परिवर्तन। स्मार्ट, जिसे ग्रीन सिटी कहते हैं, हरित शहर, वे शहर हैं जो सबसे टिकाऊ जीवन शैली प्रदान अर्थात प्रोत्साहित करते हैं, जिनमें प्रदूषण मुक्त पर्यावरण, अच्छी गुणवत्ता वाले पानी, पुनः चक्रण कार्यक्रम, पार्क, नियोजित शहर और पर्यावरण अनुकूल गतिविधियां शामिल हैं। तो बच्चों, आज जीवन कौशल में स्मार्ट ग्रीन सिटी के बारे में बताया गया है कि स्मार्ट ग्रीन सिटी, जिन्हें हरित शहर कहते हैं, वे शहर हैं जो सबसे टिकाऊ जीवन शैली प्रदान करते हैं, जिनमें प्रदूषण मुक्त पर्यावरण होता है, अच्छी गुणवत्ता वाले पानी, पुनः चक्रण कार्यक्रम, पार्क, नियोजित शहर और पर्यावरण अनुकूल गतिविधियाँ शामिल होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण पर बहुत कम प्रभाव डालने और हमारे शहर को हरित और स्मार्ट सिटी परिवहन में परिवर्तित करने के लिए परिवहन के तरीके को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वायु प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है। शहर में हमें निम्न परिवहन के साधनों का प्रयोग करने की आवश्यकता है। कौन कौन से परिवहन के साधनों को प्रयोग करने की आवश्यकता है? CNG वाहन, मेट्रो ट्रेनें, पैदल चलना, साइकिल चलाना, कार पुलिंग करना, सार्वजनिक परिवहन। कार पुलिंग होता है कि एक ही गाड़ी में 3-4 व्यक्तियों को एक ही कार्यस्थल पर ले जाना या उनको उनके कार्यस्थल तक छोड़ते हुए आगे जाना। एक कार में एक से ज़्यादा लोगों का जाना कार पुलिंग कहलाता है। सार्वजनिक परिवहन, जो बस, ट्रेन, मेट्रो, ये सभी सार्वजनिक परिवहन में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ विद्यार्थियों के लिए गतिविधियाँ दी गई हैं। प्रश्न एक, हमारे पर्यावरण की बेहतरी के लिए सही परिवहन का उपयोग करने के बारे में अपने परिवार और पड़ोस में कम 2 लोगों को प्रोत्साहित करें। बच्चों, जो अभी हमने बातें की हैं, वो बातें आप अपने पड़ोस में कम से कम 2 लोगों को बताएंगे और उन्हें प्रोत्साहित करेंगे कि वो पर्यावरण सहायक परिवहन के साधनों का प्रयोग करें। कौन कौन से बताए थे? CNG वाहन, मेट्रो ट्रेनें, पैदल चलना, साइकिल चलाना, कार पोलिंग करना, सार्वजनिक परिवहन आदि का प्रयोग करना। तो आप अपने आस पड़ोस में कम से कम 2 लोगों को इस बारे में प्रोत्साहित करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, अपने माता पिता और दादा दादी के साथ चर्चा करें कि दिल्ली में परिवहन वर्षों से कैसे विकसित हुआ है। तो बच्चों, यहाँ पर आपको इस प्रश्न के उत्तर में अपने माता पिता या दादा दादी से चर्चा करनी है कि दिल्ली में परिवहन वर्षों में कैसे विकसित हुआ है। आप उनसे बात करेंगे तो वो बताएंगे कि पहले के ज़माने में घोड़ा तांगा चलता था, बैलगाड़ी चलती थी, और अब वे सब चीज़ें नहीं चलती। अब धीरे धीरे परिवहन के साधनों में बदलाव आ रहा है। तो इस प्रश्न के जवाब में आप अपने दादा दादी या माता पिता से चर्चा करने के बाद इसका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 3, पैदल चलना व्यायाम का अच्छा रूप है, प्रतिदिन कम से कम 1000 कदम पैदल चलें। तो बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि पैदल चलना व्यायाम का अच्छा रूप है और प्रतिदिन कम से कम 1000 कदम पैदल चलें। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कार शाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें, परिश्रम करने से ही सब कार्य सफल होते हैं। खाना पीना, मूंगफली, रेवड़ी, गज्जक, गुड़पट्टी तथा तिलपट्टी इत्यादि का आहार में उपयोग करें। यह सब सर्दियों में शरीर के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। गतिविधि, गर्मी, सर्दी तथा बरसात के मौसम में पहने जाने वाले वस्त्रों में वर्गीकरण कर एक चार्ट बनाएं। आप इस कार्य में अपने अध्यापक तथा माता पिता की सहायता ले सकते हैं। खेल, घर के अंदर खेले जाने वाला कोई भी खेल खेलें। विशेष, कोरोना तथा अन्य किसी भी बीमारी से बचने के लिए चेहरे पर मास्क लगाएं, शारीरिक दूरी का पालन करें और हाथों को सैनिटाइज करें तथा बार बार धोएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें।
प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।